Hi friends, welcome to my channel Minch Ecom. My name is Albert. So my dear friends, ये जो video होने वाला है लगभग almost 1 month के बाद ये video बना रहा हूँ. Actually मैं पीछे कुछ समय से मैं काफी busy schedule था जिसकी वजह से मैं video नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं अब से कोशिश करूंगा जो Flipkart sellers के लिए, e-commerce sellers के लिए जो जितने भी help चाहिए, support चाहिए, उसके related टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस में बनाता रहूंगा. सो आज के जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको सेल करना अलाउड नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल करते समय आपको कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और आपको टिप्स आपको उनके बारे में जानना जरूरी है. सो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हो सकता है अगर आप सेल करते हैं तो हो सकता है आपके अकाउंट में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. सो उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा. सो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं ले सकते. हो सकता है अगर आप इसके बारे में अगर आप जान जाते हैं तो हो सकता है आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. उसके बदले में हो सकता है आप उसके बदले में कुछ ऑप्शन सोच सकते हैं कि और क्या आप प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं. चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि डेंजरस प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो कि अलाउड नहीं है, ये लीगली अलाउड नहीं है. जो फ्लिपकार्ट की जो गाइडलाइंस, फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी कहते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. सो चलिए मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को बता देता हूँ जिससे कि आपको शायद हेल्प करे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने कभी इनको लिस्ट करा है और इन प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है तो कभी भी आपका ये प्रोडक्ट्स डीलिस्ट हो सकता है, वहाँ से फ्लिपकार्ट वेबसाइट से डीलिस्ट यानी कि हटाया जा सकता है. सो बेटर है आप उसको पहले हटा लें. उसमें मेहनत अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए और किसी भी रीज़न के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आप उसमें एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और बाद में आपका प्रोडक्ट हटा दिया जाए, ऐसा भी केसेस हो सकता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को पास गलती से हो जाता है, लेकिन बाद में जब फ्लिपकार्ट रियलाइज करता है कि गलती से पास हो गया है, गलती से फ्लिपकार्ट वेबसाइट में लाइव हो गया है, तो उनको हटा दिया जाता है. सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अलाउड नहीं है, डेंजरस माने जाते हैं. सो ये प्रोडक्ट्स कुछ टूल्स जैसे कि जो सेलर्स स्पेशली गार्डनिंग टूल वगैरह में डील करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को भी सेल करने की कोशिश करते होंगे, जैसे कि ये आपका जो एक्स है और ये जो गार्डन पिक टूल कहते हैं इसको, बेसिकली गार्डन पिक टूल जो खुदाई करने के काम आता है, और इसी तरीके और भी टूल्स जैसे कि ये कारपेंटर्स के काम आने वाले कुछ टूल्स हैं, और इस तरीके से ये भी अ काइंड ऑफ धारदार एक एक्स कह सकते हैं, या ये भी उसी तरीके का कुछ कैटेगरी जो गार्डन में जनरली यूज होते हैं. सो ये प्रोडक्ट्स भी फ्लिपकार्ट में अलाउड सेल करना नहीं है. और यहाँ पे जैसे कि ये आप हेक्सा ब्लेड ये प्रोडक्ट है, और ये आपका एक्स अ काइंड ऑफ एक्स ही है, कुल्हाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है आपका जो आप कह सकते हैं जो चिकन बनाने के लिए जो एक जो ग्रिल जो यूज़ करते हैं, जो उसके साथ जो सीख कबाब बनाने के लिए जो यूज़ होता है, केवल ये जो सीख जो होता है रॉड कह सकते हैं, ये भी अलाउड नहीं है. हालांकि इसका जो इसके साथ पूरा जो मशीन सेट आता है उसके साथ अगर आप सेल कर रहे हैं कंप्लीट सेट तो सेल हो जाता है, यानी कि अलाउड है, पर केवल इस तरीके के जो रॉड दैट इज नॉट अलाउड. और ये जो टॉय कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, रियल प्रोडक्ट्स नहीं है ये, लेकिन नॉट एक्सेप्टेड. इसका रीज़न ये है कि मेटल का बना हुआ है इसीलिए एक्सेप्टेड नहीं है. और इसके अलावे जो गार्डन टूल या फिर कुछ स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एरो एंड बो है, ये इनके जो नोक्स कह सकते हैं आपका धारदार मेटल से बना हुआ इसीलिए, और ये आपका हेक्सा ब्लेड, ये भी प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड नहीं है. इसके अलावा गार्डन सिकल जो घास काटने वगैरह के काम आता है, या इवन किसान भी लोग यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए, छोटे किसान जो यूज़ करते हैं, या फिर एक ग्रास कटर है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी डेंजरस कैटेगरी में आते हैं
और ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं होते हैं फ्लिपकार्ट में। अगर कभी एक्सेप्ट हो भी जाता है गलती से तो कभी ना कहीं आप इन प्रोडक्ट्स को सेल फ्यूचर में सेल नहीं कर पाएंगे, ये डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हैं, डिसकनेक्ट कर दिए जाते हैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट से। कुछ प्रोडक्ट्स हम ऐसे बात करते हैं किचन आइटम्स का, सो यस किचन आइटम्स में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, नाइफ्स हैं, चाकू हैं जो यूज़ होते हैं किचन में, लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अलाउड हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन नाइफ्स जैसे कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्टेड तो हैं इनके, लेकिन इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, जो जितने भी सेलर्स जो किचन कैटेगरी में टूल्स वगैरह सेल करते हैं उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप जान जाएंगे तो डेफिनेटली उन काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेल नहीं होते हैं पर किस किस कंडीशंस के साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो किचन टूल में आप चाकू की बात करें तो यहाँ पे जो चाकू है इनका जो ब्लेड लेंथ है यानी कि हैंडल को छोड़ करके जो ब्लेड लेंथ है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 9 inches इनका लेंथ और 2 inches इसका वेथ, अगर इतना है तो इतना तक तो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 1 mm 2 mm भी जो बड़ा है यानी कि आप जो मेंशन करते हैं डिटेल्स में इससे बड़ा तो वो प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करता है यानी कि नाइफ्स का जो ब्लेड का लेंथ भी या ब्लेड का विड्थ भी एक तरफ से भी अगर मीट नहीं होता यानी कि बड़ा है तो ये रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा कुछ घर में यूज़ होने वाले भी कुछ जैसे कि ड्राई वॉल टेपिंग नाइफ जो होता है पेंट करते करते वक्त दीवार को प्लेन करने के लिए कुछ इस तरीके के नाइफ्स जो यूज़ होते हैं इनके भी जो टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, जो 9 inches अगर ब्लेड लेंथ और 2 inches ब्लेड विड्थ के लगभग का अगर आता है तो यस एक्सेप्टेड है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक कार्विंग नाइफ जो होता है जो कार्विंग के काम में आता है, काटने के काम में आता है, तो यस इनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है, 9 inches ब्लेड लेंथ और 2 inches का जो ब्लेड का विड्थ है इतना या इससे कम है तो यस एक्सेप्टेड है। और इसके अलावे जो ये हालांकि इलेक्ट्रिक कार्विंग नाइफ तो नहीं है, ये जो गार्डन पिक टूल होते हैं इनके भी कंडीशन सेम है, अगर आपका जो ब्लेड लेंथ यानी कि इनका जो ब्लेड लेंथ है 9 inches से छोटा है तो एक्सेप्टेड है, ब्लेड विड्थ भी 2 inches से कम होना चाहिए तभी एक्सेप्टेड है, अदरवाइज से रिजेक्टेड है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारे ऐसे सेलर्स मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड हैं या नहीं है, कुछ मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स और भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आगामी वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। सो यस ये आपको हेल्पफुल होगा जो लोग भी जितने भी सेलर्स टूल्स वगैरह में सेल करते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा फ्लिपकार्ट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग कैसे करना है या फिर सेल्स को बढ़ाना कैसे है, अगर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रिलेटेड सेल करने के रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं इसके रिलेटेड ऑलमोस्ट वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल में मिलेंगे, और भी कुछ आगामी दिनों में मैं और अच्छे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड टिप्स और बहुत सारे आपको जो नॉलेजेबल ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में आपको मिलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें जिससे कि कभी भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सो आज के लिए इतना ही मेरे डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।